ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ फेज सत मोहाली दे विच मौजूद विदेश भेजण दी कंपनी जैप स्टडी अब्रॉड ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। मार्केट पता कितनी वधी है मथे ते लिखे कौन हो अपनी बना अपनी मैडम को बुलाओ सारे बुलाओ कोई तुक बना देख लो थोड़े सामने सच फेस एक बल्कि लेडी की मदद करनी चाहिए प्रधानगी जोर से मेनू बर्बाद करके करोगे सत फेज की मार्केट है जी ये तुसी देख सकते हो तुहानू पुराने छोट भी दिखावांगे असीं चलो चेक तो कोई नहीं क्यों बहस कर रहे हैं तुसी बात खत्म करो कार्ड बनवा के ले लो फालतू में बकवास कर रहे हो साइड पे जाओ ये केड़ी गल बन गई है।
यार तुसी एक लेडी दे कानू इन्ने जाने एक जाने ने गल कर नहीं तीन दिन पहले ठीक है तुसी लेडी ना गल करन दी अकल ता रखो तुसी लेडी ना गल करन दी अकल ता रखो यार एक गल थोड़ी बन ठीक है ना तुसी लेडी नाल एक यार तुसी लेट ओ वीर मेरे यार एक जाना गल कर लो जे तुहाडे च मोहतबार बंदा गल कर रहा ना तुहाडा मोहतबार बंदा गल कर रहा ना इत्थे तुहाडा मोहतबार बंदा गल कर रहा ना इत्थे तुसी कौन हो तुहाडा मोहतबार बंदा लेडीज नाल गल कर रहा ना तरीके नाल गल कर रहा ना तुसी ता सिरे ही चढ़ी जाने हो यार गुरमुख सिंह वालिया का उस औरत गल करन दा लहजा असी कुछ कहिए चंगा है कि असी सारी हड पीती उस पीड़ित महिला को पुछिए जो इस वेले साडे नाल मौजूद ने मैम होया कि उस दिन किस दिन की यह गल है तुसी रो क्यों रहे हो तुसी रो क्यों रहे हो नहीं नहीं बेटा मैं नहीं बोल रहा तुम डर है कोई नहीं बट तुसी दसो होया की है कुछ नहीं मैं अपना स्टॉल लगाया सी जी स्टॉल हस्बैंड मेरे हुन एक्सपायर हुए है मैं बड़ी उन्होंने रिक्वेस्ट की बेटा और मैं मेरा सारी रिस्पोंसिबिलिटी मेरे ते आ गई कारोबार बंद हो गया हस्बैंड दी एक्सीडेंट ना डेथ हो गई इस करके मैं अपना स्टॉल लगाया स्टॉल इन्होंने मेरे ना बड़ी बदतमीजी की तीन चार दिन ही हुए से हले लगाए तो बस इन्होंने मतलब कि मैनू काम करन तो रोकया मेरी किने रोकया किने तुहानू वालिया साहब ने उन्होंने बाकी भी उन्होंने जोड़े बंदे आए उन्होंने भी बड़ी बदतमीजी की मैं बड़ी रिक्वेस्ट की उन्होंने कि करोना करके सारी दुनिया को फेस करना पै रहा वो कहते कोई गल नहीं असं ठेका नहीं लेता हुआ तो समान चको निकलो इतों ये गल किने की वालिया साहब ने बाकी जोड़े उन्होंने नाल के बंदे उन्होंने भी मैं उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने मेरी कोई एक भी नहीं सुनी बस वो कहते अपना समान चको इतने दिखने नहीं चाहिए मैं पूरे सत्त फेस तुम कुछ नहीं लगा देना निकलो इतों जितों आए हो सत्त फेस में कुछ क्यों नहीं लगा देना उन्होंने रजिस्ट्री कराई है सत्त फेस की नहीं मैं उन्होंने कहा कि तुम सारे लगे हुए है बाकी भी ये सारा इलीगल ही है कोई ताडा बारला ताडा नहीं बनता वो कहते ये गल तुम नहीं कह सकते मैं प्रधान है इतने का कि मैं नहीं कहते तुम लगन नहीं देना मैं क्यों नहीं लगन देना मैं भैया मेरी गल सुनो मैं क्या देखो करोना करके सारी दुनिया नूं फेस मैं क्या मेरा भी कारोबार बंद हो गया उत्थे मेरे हस्बैंड कहते मैं ठेका लिता होया मैं क्या ये गल ना तुसी कहो देखो टाइम का कोई पता नहीं लगता कहते तुसी मैनूं बद्दुआ दे रहे हो मैं कहने मैं बद्दुआ नहीं दे रही मैं तुहानूं सिर्फ इन्नी गल कह रही है कि टाइम का कोई पता नहीं लगता कहते नहीं नहीं तुसी ये गल्लां मैनूं ना कहो तुसी अपना हाथ चको अपना चको फिर अपने जिहड़े नाल दे बंदे आ उन्होंने उन्होंने कहा कहिंदे कि इन्हां दा समान चको ये लेडी नहीं हट रही तो मैं उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मेरा घर ये चल रहा तो मैं की करांगी तुहानूं पता अच्कल नौकरियां नुकरियां भी नहीं मिलदियां कुछ नहीं वो कहते मैं ठेका नहीं लिता है तुसी अपना समान चको तो इतों समान चुकाने का ठेका लिया उन्होंने कहा भी वह किस उदे नाल वो समान तुहाडा चुकवा रहे सी किसी होर दा भी चुकवाया समान नहीं वो कहते काम नहीं लगन देना मैं तुहाडा कि तुसी अपना समान मैं क्या कि तुसी क्यों इन्ना इशू कर रहे हो देखो तुहाडियां भी मावां भैन देखो सारी दुनिया देख रही है मेरा किन्ना तमाशा बना रहे हो मेरे हस्बैंड ने बेटा मेरा मेरे नाल है कि तुसी देखो मैं उहदे नाल हैल्प कर रही हूँ अपने बेटे दे कहते मैं कोई नहीं हो कि तुसी अपना चको अपना समान चको इतों निकलो मैं उन्होंने बड़ा कहा फिर उन्होंने कहते लेडीज़ बुलाओ इतने दिया लेडीज़ बुलाओ इन्हों कहो कि ये लेडी इतों दड़ाओ मैं क्या भैया तुम मैं धमकी दे रहे हो कल इनकेस मेरे नाल कोई गलबात होगी तुम जिम्मेदार हो गए कहते कोई गल नहीं इन्हों बुलाओ लेडीज़ बुलाओ तो बस मैं अपने बेटे गया मैं क्या चलो फिर एक लड़का आया उ हरजीत लड़का आया उन्हें बेचारे ने सारा उत्थे दा देखा उन्होंने बड़ा वो दर्द उन्होंने आया मेरे ते उन्हें मेरे ते बच्चे ने मेरे नाल बड़ा सिंपति दिखाई उस लड़के ने मेरे नाल उन्हें बड़े एक
विधाता बन के मेरे को लाया लड़का कौन हरजीत हरजीत लड़का उन्हें बड़ी मेरी सपोर्ट की बेचारे ने पर अज बेचारे तो भी एलिगेशन लग रहे हैं लड़के से मैनू मैं ओदा कोई बेचारे दा विच है नहीं हरजीत ते कुछ एलिगेशन लग रहे ने भी उन्हें पैसे ले तुहाडे कोल पैसे ले हरजीत ने नहीं बेटा नहीं कोई पैसे पूसे नहीं ओ ता बेचारे ने जिवें बाकी क्राउड विच लोग खड़े सी ओ भी लड़के ने देख के किसी ने नहीं मेरी सपोर्ट की ओ लड़के ने मेरी बहुत सपोर्ट की मैं ओदे अगे मैं अपने ठाकुर जी नूं ओदे अगे बेनती की कि ओ लड़के दी कोई भी काम नहीं रुकना चाहीदा उन्हें मेरी बहुत सपोर्ट की मैं बहुत थैंकफुल हां ओदे वल्लों नहीं शर्म आनी चाहिए है उन्होंने लोगों देखो आंटी जी नाल इन्ना कुछ किया किसी दी अखां सामने किसी की माँ के नाल तुसी इन्नी बदतमीजी करो तो अगला बच्चा चुप रहे जे ये अजकल दे समय बड़ा औखा होंदा है इन्हां दा बेटा उन्होंने नाल सी वो पता नहीं किवें सबर का घुट भर गया पर तुहानू शर्म आनी चाहिए है माता जी तुहानू अज भी तुहाडे नाम के नाल साहब ला रहे ने मैं पूछा भी तुहानू ये सब किने बोलिया कहिंदे वालिया साहब ने ते साहब ने एक करतूत की है हरजीत साढ़े नाल है हरजीत को पूछा हरजीत उस दिन गल हुई की सी मतलब 16 अक्टूबर का वाका दसिया जा रहा है तो होया की सी तुसी की देखिया ठाकुर साहब गल इदा मैं मटौल थाने तो निकलिया सामने पार्किंग पैंदी अपनी पार्किंग दे विच अपनी कार लगी हुई सी कार दे विच कार तो जाने तो पहला पार गड्डी कोल पहुंचा तो सामने देखा काफ़ी क्राउड इकट्ठा होया हुआ सीगा तो लेडी एक नज़र आ रही सी तो हज़ार ही मतलब काफ़ी मतलब भारी गिणती तगड़े तगड़े बंदे खड़े हुए तो मैं देखा मैं एक लेडी तो पता नहीं क्यों सारे भारू पे हुए है भी कोई गलत आ जाके देखिए मैं गड्डी को बाद गया पहले मैं खड़ के देखने लग गया मैं उत्थे देखा गुरमुख सिंह वालिया जी खड़े हुए थे गुरमुख सिंह वालिया जी उन्होंने उच्ची उच्ची बोल रहे हैं जिम्मे वीडियो के मैं सिर्फ अजे एक वीडियो दिखाई है तीन वीडियोज होर ने मैं उन्होंने पिछले मैं क्या चलो जानते हैं गुरमुख वालिया भी है ना भी अपने आपको पत्रकार दसते हैं भी तो पर असी हूँ 12 साल हो गए सानू भी फील्ड असी कभी देखा नहीं तो जो देखा जी आंटी ने बदतमीजी करते पे गालम गाली हो गई जो हद तो वध हो गई फिर मैं वीडियो बनानी जो शुरू करती फिर मैं लागे चले गया जो उन्होंने बाउंसर ने तो होर उन्होंने नाल जिहड़े भी मार्केट के बंदे सीगे इन्हों का चक के समान चिट्टन लगे जो उन्होंने वालिया जी ने देख लिया भी हरजीत वीडियो बनाने लग गया फिर उन्होंने बंद करता है ना भी फिर इन्होंने जी जी ते आके गल करन लग गए तो बाद हूँ गल की हुई जी क्योंकि उस तो बाद वीडियो उस टाइम मतलब दिवाली तो बाद दी उदों तो आप वीडियो पाई नहीं क्योंकि वह मन गए सी उन्होंने इन्हों का अड्डा लवाता सीगा ठीक है जी 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हुण इन्हां दी दुकान चलदी नूं कल फिर वाली ने जदों पता लग्या तो वालिया ने फिर की किया अपने बंदे भेजे बाउंसर जिवें दो आंटी हाँ दोबारा फिर दुकान लगाने वास्ते छोटा प्रधान है आर के और बेटे ने गल की वो कहता चलो कोई गल नहीं उन्हें परमिशन देती बेटे ने बेटे ने हले 12-13 दिन होए लगाते राती फिर 3-4 बंदे आए बड़िया उन्होंने गालां गुल्लां कड़ियां उन्होंने तो वह कहते नहीं तुसी चको समान मैं क्या देखो असं इन्नी एफर्ट्स करके समान लेके आए हैं उत्तों घर च भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तुहानू दुबारा बोलिया कि समान चको अपना हाँ फिर मैं वालिया साहब नाल फोन किया उन्होंने कहते वालिया साहब नाल गल कर लो वो कहते नहीं लगन देना मैं वालिया साहब नूं कहा कि सर मैं सॉरी मंगदी हां तुहाडे तो तुसी सॉरी क्यों तुसी सॉरी क्यों मंगी तुसी कुछ बोलिया सी उन्होंने वो मैंने तो कह रहे कि तुसी इहनूं मैनूं लूज टॉकिंग मैं कहा भी मैनूं लूज वीडियो विच मेरे ख्याल तुसी कितनी लूज टॉक कीती नहीं नहीं कीती मैं लूज टॉकिंग लेकिन फिर भी वो मैनूं बोल रहे से मैं कहा तुहाडे के ते चलो मैं कह दिंदी हां कि चलो मैं सॉरी फील कर लैंदी हां सॉरी फील ही कर सकदी हां होर नहीं मैं कुछ कर सकदी मैं कहा दसो तुसी की चाहुंदे हो कहिंदे नहीं तुहाडी दुकान नहीं लगेगी कितने भी नहीं लगेगी तुसी इत्थों समान चक्को ते जाओ मैं क्या मैं कितने रोटी खानी है दसो मैं अपनी रोटी भी कमानी है कहते मैं ठेका नहीं लिता हो अपना चको समान मैं सत फेस नहीं लगन देने मैं क्या तो भी हरजीत जी कोई उन्होंने पोस्ट पाई है ग्रुपा भी शेयर की तुम 5000 रुपये ले तुम माता जी को 5000 रुपये लेने मैं कहना जी थोड़े लागे खड़े पुछो तो मैं जे तो कोई रिलेशन हो जा मैं पहले जानते हो मतलब कह सकते हैं भी एलीगेशन ला सकते हैं क्योंकि मीडिया के अक्सर ही होंगे जो भी आप किसी की खबर करते हैं क्योंकि रात जो मैंने उन्होंने पता लग्या इन्होंने दसिया भी दोबारा वो फिर बदतमीजी करने आए थे उन्होंने बंदे भेजे है तो उस तो बाद मैं अपने किसी पत्रकार होर गलबात की भी तुहाडा बंदा इदा कर रहा वो जाके आए पर कहें भी इतों अड्डा चक लो ठीक है जी असी नहीं लगन देना उस तो बाद मैं मतलब इन्हों की जी वालिया साहब की वीडियो सी वालिया की वीडियो सी जी इन्हों की बदतमीजी से उदिया फोटो भी पाइया वीडियो भी शेयर की सारे सारे दुनिया देख रहे हैं सबनों पता है भी ये बंदा सही कर रहा कि गलत कर रहा वीडियो साफ दिखता पाया उस तो बाद इन्होंने मीडिया का एक ग्रुप चलता जी प्रेस पोलिटिकशन पुलिस हैंड है ना उस लिख के पाया जी हरजीत मठाड़ू नाम का कोई पत्रकार है भी जाली पत्रकार है ये ठीक है जी इसने उस लेडी तो 5000 रुपया लैके भी यह मतलब वो रेहड़ी लवा जा रहा
भी ये 5000 रुपया लेके रेहड़ी लवा रहा जी। मतलब ये ना एक ग्रुप में लिखा हुआ है एक च भी मैं तुम्हें पढ़ के भी सुना दिना जे दो ने 5000 लैके रेहड़ी फड़ी लगवा जाली पत्रकार मार्केट वाले ने फड़िया। फिर साथी मार्केट में 5000 रुपये लैके नजायज़ तौर पर रेहड़ी फड़ी लवा रहे एक जाली पत्रकार मठाड़ू न मार्केट के लोगों ने फड़ लिया। जदों उसकी असलीयत सामने आई तो मार्केट के प्रधान गुरमुख वालिया ने मामला जांचण लई लोगों तो पुछया जिस सामने आया कि मार्केट में 5000 रुपये लैके रेहड़ियां लवाइया जा रही सन। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ 5000 ਰੁਪਏ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਚਾਹਿਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ 3-4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕੋ ਬਸ ਮੈਂ बस बेटा बस हूँ तुम दसो मैं असी कोशिश करते हैं कि गुरमुख सिंह वालिया जी भी साड़ी गलबात हो सके जी उन्होंने फोन चुकया उन्होंने आप नंबर मिलाया जी 9814644949 जो नंबर जिस नंबर तो मैसेज पाया गया ग्रुप के हेलो हेलो गुरमुख सिंह वालिया जी हाँ जी वालिया जी ठाकुर बोल रहे हैं ठाकुर अमनदीप सिंह खबर सच बहुत वधिया जी बहुत वधिया। अच्छा तुसी एक ग्रुप विच मैसेज पाए ने ते एक मेरे ख्याल माता जी ने उन्होंने कंप्लेंट वगैरह की है तुहाडी कोई डीएसपी साहब कोल जी मैं ना अपनी गल हो गई जी ठीक नहीं ओ गुस्से दे विच ओने मेरे खिलाफ फेसबुक ते पाता मैं ओदे खिलाफ पाता जी नहीं उन्हें माता जी ने पूछा है साडी गल हुई है नाल ही खड़े ने ओ कहंदे मैं मेतो तां इने 5000 रुपए ले नहीं हरजीत ने चलो तुसी ऐडा करो मैं तुहानू दसदा जी तुसी माता जी नु कहो गुरुद्वारे वर्जन लगना मैं वीडियो पूरी देखी है वो पूरी वीडियो मैं देखी है 3 मिनट कुछ दी वीडियो हैगी है ते उदे पूरी वीडियो दा कोई कोई गल उन्होंने किते बोली नहीं हुई अच्छा फिर तुसी फोन ना मैं लाउड स्पीकर ते एक मिनट मैं फोन लाउड स्पीकर ते लाता है ते माता जी साढ़े नाल ही खड़े ने माता जी गुरुद्वारा साहब सौं चुक लोगे तुसी सिंह शहीदा हां जी मैं अपने बेटे दी कसम खा के कहनी हां मैं उन्हां नु कोई बर्बाद हो जा नहीं भैया नहीं मैं तन्नू ए गल नहीं कही मैं तन्नू सिर्फ इतना कहया सी मठारू ने या फिर तो उस दिन फड़ी इन्हां दी नहीं हटवाई ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੌ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਟੇਬਲ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 65 ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ 66 ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਠਾਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਤਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ देखो मैं वो बच्चे नू नहीं जानती सीगी वो सिर्फ उन्हें देख के मेरी सपोर्ट की है तो तुसी आज कह रहे हो कि तुसी बिगाड़े मैं बिगाड़न नहीं आई सी भाजी मेरी गल सुनो मैं बिगाड़न नहीं आई सी मेरे कोल नहीं आए ना 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 मैं रेड़ी लवाउण दे हक च नहीं तुसी मैनू कहा के कह दो तुसी मेरे जवाक नू कहया नहीं हैगा मैं कुछ मैं आज भी तुहानू कहनी वालिया साहब माता जी कह रहे ने मैं नहीं किया दूजी गल माता वालिया साहब तुसी किसी दी भी एक मिनट रिक्वेस्ट है मेरी मेरी एक मिनट मेरी गल सुन लो प्लीज़ उदों माता जी दे नाल उहनां दा बेटा भी सी जे रब ना करे मेरे माता जी नू मेरे सामने कोई कुछ कहे मैं की करांगा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮਠਾਰੂ ਤੋਂ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਮਠਾਰੂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮਤਲਬ 5000 ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ हरजीत मठारू ने मतलब 5000 रुपए ले है माता जी कोलों माता जी हुण झूठ कह रहे ने मैनू ये गल दा नहीं पता है मैडम करते पता नहीं की ने कदे नूं कुछ कह दिंदे किसे नूं कुछ कह दिंदे चलो चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाजी
कोई चक्कर नहीं, ठीक है भाजी। मेरा मठारू ने इतना प्यार दिया ना, खत्म करा था मैडम ने आज। नहीं चलो ठीक है, थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, ओके जी। गुरमुख सिंह वाली हले भी कह रहे ने, मतलब प्यार खत्म हो गया थोड़े नाल। हाँ जी, एलीगेशन। हाँ जी, के भी लग गया है ना कि देखो मैं बच्चे नू नहीं जानती सी। कहंदे कि तुसी उन्हां दे बच्चे नू, उन्हां दे बच्चे नू कहा भई इदा इदा क्यों कहना, किस वास्ते कहना। कुछ एक वीडियो अपलोड कीती है, जिहड़ी दो वीडियो ना मैं शुरू तो बनांदा जा रहा हां, जदों उन्हां दा घोल शुरू हो गया सी, आपस गुत्थम गत्ती शुरू हो गए सी, बोलबाणा शुरू हो गया सीगा, मैं सारियां हजे एक अपलोड कीती है, पर वो कहंदे कुछ नहीं किया, साफ वीडियो दे विच नज़र आ रहा है मैडम ने जो गल्लां कहीं ते उन्होंने जो गल्लां कहीं। मतलब हुण वालिया साहब कह रहे हैं जे माता जी कह दें कि सां चुक लैणगे फिर तुहाडे ते कोई एलीगेशन नहीं होना, मतलब कि फिर तुसीं पैसे नहीं मंगे। नहीं ये तो हुण यह कि कहंदे गुरमुख वालिया भी साडे साहब नूं फोन करदे पए है भी मैं रिटन दे विच मठारू को माफ़ी मंगदा पिया, भी ठीक है भी मेरे तो हाइपर हो गई गलत। पहला हाँ पहला एलीगेशन ला दो फिर तुसी माफ़ी मंग लो। अब देखो पहला मेरे तो इन्हें एलीगेशन लाता भी इन्होंने माता जी तो 5000 रुपया लिया भी रेडी लवाण का। मैं माता जी तुसी कंप्लेंट ये भी लिखे भी उत्थे होर जिहड़ी लेडीज़ खड़ियां सी उन्हां नूं कहा गया भी हटाओ, वो की लाइन है, मैं समझिया नहीं वो लाइन। वो कुछ नहीं, बस कि मैं नहीं अपना काम वास्ते उन्होंने फोर्स कर रही थी कि प्लीज़ मैं अपना समान इन्ना बना के लेके आई हाँ, इन्नी मेहनत करी दी है, सवेरे 5 बजे उठ के असी, मैं क्या तुसी प्लीज़ सानू ना परेशान करो कि देखो साडा समान खराब हो जाएगा, पैसे लगे हुए हैं। कहिंदे नहीं असीं नहीं लगन देना, कहिंदे लेडी नहीं जा रही, जिद कर रही है, तुसी लेडीज़ बुलाओ तो ये असीं तां नहीं हाथ पा सकदे तुसी। अच्छा, मतलब लेडीज़ नू बुलाओ कि नहीं किया वालिया साहब ने कहा सी कि इन्हां नू लेडीज़ नू बुलाओ ते इन्हां ये लेडी नू भजाओ। दे विच भी वीडियो दे विच भी ओह नज़र आ रहा है, ये आप कह रहे हैं उन्होंने जिहड़े इन्हां नाल बाउंसर टाइप होर बंदे सीगे मार्केट दे, उन्होंने कह रहा भी अपनी लेडीज़ नू बुलाओ, इन्हू जनानी नू भी चुकाओ दे समान ना चक्के, कहिंदा सड़क ते मारो, साफ नज़र आ रहा है तुहानू जिहड़ियां असीं वीडियोज़ दे रहे हैं। उस दिन माता जी का बेटा भी नाल सी भाजी, तुसीं उस दिन नाल सीगे ते जदों ये सब कुछ होया, देखो तुसी भी मैं समझ सकदा कि जदों सामने 20 बंदे होण 15 बंदे होण तुसी भी कल्ले की करोगे, असी लड़न नूं भी नहीं कहिंदे, पर उस दिन दिल ते की बीती तुहाडे, तुहाडे दिल च आया नहीं बई इंसानियत जमा ही खत्म हो गई अज्ज? हाँ जी, हाँ जी सर, आया तो सीगा बहुत ज़्यादा, हुण की करिए, बहुत फील होया सीगा, पर मजबूरी है बस, शांत होके फायदा है, बोल के कोई फायदा ही नहीं है। देखो तुसी मेहनत कर रहे हो, चंगी गल है माता जी, तुसी मेहनत कर रहे हो, तुसी अपने हक हलाल दी खा रहे हो, किसी को खो नहीं रहे, किसी को ठगी नहीं, किसी नाल मार रहे, सब तो वड्डी गल है तुसी मेहनत कर रहे हो, पर मैं क्या मैं मेहनत कर रही हूँ, तुसी देखो मेहनत कोई किसी की खिंच नहीं सकता, तुसी भी कहते नहीं ऐसे कोई ठेका नहीं लेता है, तुसी अपना समान चुको, बस उन्होंने यही कहते रहे कि अपना समान चुको तो अपना जाओ, समान चुको असी लगन नहीं देना, बड़ी उन्होंने काफ़ी काम के नाल बड़ी खिंचातानी की कि तुसी समान चुको तो अपना जाओ। तो यह सी पूरा मामला, तुसी सुनिया दोहां पक्खां नूं, एक माता जी जिन्हां दे पति दा कुछ दिन पहला लॉकडाउन दे विच ही देहांत होया, वह रोजी रोटी दे लई कमाई कर रहे ने, रेहड़ी ला रहे ने, ते एक रजिया पुजिया बंदा जो जैब स्टडी एब्रोड ना तो विदेश भेजण दा एक दफ्तर भी चलाउंदा है, वह रेहड़ी नहीं लाण दे रहा। इस वीडियो विच जिवें भी वह वतीरा माता जी नाल कीता गया है, जे तुहाडे या साढ़े माता जी नाल अजिहा वतीरा किया जाता तो फिर तुसी की करदे, वो कमेंट राही दस्यो जरूर। पर हुणे मामला पुलिस कोल पहुंचे ते दूजे पासे इल्ज़ाम उस पत्रकार ते लाए गए जिस पत्रकार ने उस माता जी दी मौके ते ही मदद की, बजाए कि उस दे लई कोई चंगे दो अक्खर कहण दे ग्रुपां दे विच उस पत्रकार नूं झूठे इल्ज़ाम ला के बदनाम करन दी कोशिश भी की गई, ते हुण उस पत्रकार तो माफ़ी मंगण की गल भी गुरमुख सिंह वालिया वालों की जा रही है, पर देखना होगा कि पुलिस पड़ताल के आखिर हुण की कुछ तथ्य नवे सामने आएंगे। कैमरा परसन मनोज के नाल ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, मोहाली।